डेजी, सबको बताओ तुम्हारा पेट खराब था। और पेट तो खराब है, अभी मेरा कपड़े खराब कर दिए, इसको इधर ही बैठ के खाना है। दिया था उसके बर्तन में, कैसे खा रही हूँ जैसी। पेटू पेटू ठीक है? बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। हाँ मेरे कपड़े भी खा जाए। मेरे यहाँ पे बैठ के खाई, अभी हुआ, अभी लेकर पंकज के पास जाके बैठी और खा रही है। वो ये खत्म होने दो, फिर देखते हैं क्या करती है। फिर से ये नूडल्स है। अभी इसको हाथ में, हाथ से देना डर लगता है, दांत इतना शार्प हो गया उसका। मैं नीचे डालता हूँ उसके बिस्किट्स। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है मंडे, सो हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, 7:39, और पंकज का आज डिमांड है कि आज मैं बनाऊँ ये पाव भाजी। सो पाव भाजी का मसाला भी लेके आए हैं, थोड़ा और ज़्यादा आलू लेके आए हैं। बाई चांस अगर आलू ख़त्म हो गया तो फिर कल का कैसा होगा या परसों का कैसा होगा, कल अगर बाई चांस मार्केट। तो इसलिए ना एडवांस में सब कुछ सोच के ही ना एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आना पड़ता है। सो यहाँ पे अभी गर्म कर रहे हो, ये है कोथमीर का पानी जो मम्मा को दूंगी विद दूध। सो यहाँ पे दूध भी मैं गर्म कर रही हूँ। और प्रेशर कुकर में मैंने ऑलरेडी पाव भाजी के लिए आलू और कैरेट, ये दो चीज़ें मैंने बॉईल कर ली है। एंड अभी वो उसका जो सीटी का वो पोस्ट, वो जो भी है एक्स्ट्रा हवा निकल जाए उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करूँगी। पर उससे पहले मुझे अभी कट करना है ऑनियन, कैप्सिकम। कैप्सिकम और थोड़ा सा लेके आए क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ था, एक ही किधर आई थी, नीचे रखी हो, हाँ थोड़ा सा ही बचा था, वो वाला आधा यूज़ करूँगी एंड और एक फूल यूज़ करूँगी। एंड ऑब्वियसली टोमेटो चाहिए होगा, टोमेटो वैसे है पुराना टोमेटो, पहले मैं यूज़ करूँगी। फिर उसमें मैं डालने वाली हूँ ग्रीन पीस ऑल्सो। सो सब चीज़ें पहले मैं इकट्ठा कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो मैंने कैप्सिकम और टमेटो तो कट कर लिए हैं, अब पंकज का बारी। प्याज नहीं लाई मैं, क्यों नहीं लाई? थैंक लाती हूँ। यू। सो पंकज लग गया है काम पे, और ये रहा प्याज। ओके, प्याज से तो मुझे रोना वोना आ जाता है, तो मैंने सोचा पंकज जब तक तो प्याज कट कर रहा है तब तक मैं डेजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। और ये हर टाइम दरवाजे के ठीक यहीं पे खड़ी रहती है। एंड जब दरवाज़ा खोले जाते हैं तो इसको लगती है एंड गिंग 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 करके, एक हाथ ऊपर करके, मतलब जो भी हाथ, जिस हाथ में भी उसको चोट लगी, बस रोना धोना स्टार्ट। सर अभी मैं अभी इसको एक टाइम देने वाली हूँ और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अरे बाप रे, आ गई आ गई। सो पंकज ने प्याज एकदम बराबर काट के दिया है, अभी कोरिएंडर लीव्स दे दी हूँ, अब इसका बारी है। वैसे मिर्ची बचा है, सो मिर्ची मैं कट करूँगी। सो अभी काम शुरू कर देती हूँ क्योंकि हाथ में टाइम नहीं है, ये मेरा गेम खेलना है। सो ये रहा पाव भाजी, सॉरी पाव अलग से है, भाजी इज रेडी। और अभी पंकज सोरे से गरम कर रहा है, और एकदम सिम क्यों किए, थोड़ा ये करते जल हैं। जाएगा ना? नहीं तुम अगर इस तरह से करते रहोगे तो बराबर रहेगा, जलेगा नहीं। सो बहुत यम दिख रहा है। और पंकज खाने में कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। खाने में अच्छा हुआ, पर तीखा थोड़ा सा कम था, पर मैंने ऐड नहीं किया। अगर बाय चांस तीखा कम है चलेगा, पर ज़्यादा और हो गया तो फिर रात के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है। सो ये रहा पाव भाजी, आई सॉरी। सो अभी टाइम हुआ है 11:42, या 11:42 अभी हुआ है, 43 हो गया अभी। सो
सो अभी थोड़ी देर में हम लोग सो जाएंगे. सो आज का ब्लॉग मैं कल कंटिन्यू करती हूँ. सो मिलती हूँ कल सुबह. गुड नाइट. हैंडशेक. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. कितने जाए तुका. एक्चुअली शी वॉन्ट्स बिस्किट. सो वो जब हम एक्चुअली उसको ट्रेन करते हैं ना तो हम बोलते हैं गिव योर हैंड. सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड. तो वो अपना हाथ देती है. अभी उसने सोचा कि ऐसा हाथ देगी तो हम उसको उसके फेवरेट बिस्किट देंगे जो कि पॉसिबल नहीं है. अभी अपना गुस्सा दिखा रही है. अभी अपना गुस्सा दिखा रही है. अभी खा जाएगी मुझे ऐसे करके खा जाएगी. देखो 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 गुस्सा दिखा रही है. इतना पेशेंटली ये अपना हाथ दिया. अभी देखो फिर से शुरू किया. ये ब्लॉग कल तक कंटिन्यू करने देगी या यहीं पे ख़त्म कर दूँ मैं तुझे ही दिखा कर. चल अभी बिजी हो गई फिर से. अगेन शी इज़ बैक. ओके हाय. ओके हाय हाय. ओके हाय. या हाय. व्हाट यू वांट. व्हाट यू वांट. बिस्किट. बिस्किट. आई लव यू. आई लव यू. कैमरा रखने के लिए बोल दिया. फिर से भी गुस्सा हो जाएगी. घोंचू मेरा घोंचू. देखो नजदीक आएगी. अभी जब मैंने फिर से हाथ में लिया अभी इसको छुड़वाने का ये होगा. छोड़ दी. फिर वापस आएगी कि लो और खींचो. फिर वो खींचेगी. मैं गई फिर वापस आई. कितने करता तुम. कितने करता. Hey, good morning, beautiful people, and welcome back to our channel. आज है next day, so Tuesday है. Happy Tuesday to all of you. सुबह सुबह से ना मौसम इतना मस्त था, इतना मज़ेदार था. मतलब बारिश हो रही थी, हल्का फुल्का सा बारिश हो रही थी और क्लाइमेट इतना कूल था, इतना ठंड थी. अभी भी है. अभी टाइम कितना हुआ है. इट्स 10:38. एक्चुअली मैं सुबह बहुत सुबह ही उठ चुकी थी. 7 बजे उठी थी बट मैंने सोचा और एक घंटा सो जाओ तो 8 बजे जाके उठी. देन ब्रेकफास्ट वगैरह किया. थोड़ा लाइव करना था, लाइव कर ली मैंने अपना. एंड मैंने सोचा था कि मैं स्टार्ट करूँगी पर मैं भूल गई. सो अभी जाके मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. एंड आज बनने वाला है बॉम्बिल बोल के एक फिश है तो उसका फ्राई करेंगे. एंड यहाँ पर मैं लेके आई हूँ प्रॉन्स जो अभी मैं साफ करने वाली हूँ. सो मैं अपना फेवरेट ब्लॉगर्स के ब्लॉगर देखते देखते मैं ये प्रॉन्स साफ कर लूँगी. और वैसे आज जाना है डॉक्टर के पास डेजी को लेकर क्योंकि डेजी का आज सेकेंड वैक्सीन है. सो वो भी करवाना है. और मैं अपना चाय भी लेके आई हूँ. पहले मैं अपना चाय पीऊँगी उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी नहीं तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा. मैं फिर चाय नहीं पी पाऊँगी. सो चलिए मिलते हो आप लोगों से थोड़ी देर में. जल्दी फटाफट ये काम कर लूँ क्योंकि यहाँ पर कम से कम आधा घंटा तो जाने वाला है. सो तब तक पंकज अपना ऑफिस का भी काम थोड़ा निपटा लेगा. सो चलो. प्रॉन्स तो मैंने साफ कर लिया. ऑलमोस्ट मुझे एक घंटा लगा प्रॉन्स साफ करने में. सो साफ कर लिया. अभी इसको धोना है. और ये है बॉम्बिल ही बोलता है शायद बोलते हैं इस फिश को. सो इस फिश का मैं करने वाली हूँ फ्राई. एक्चुअली अभी तक इसका बर्फ निकला नहीं तो मैंने पानी में भिगो कर रखी हूँ. सो इसका बनेगा फ्राई. एंड एक्चुअली मुझे प्रॉन्स पूरा नहीं चाहिए. इसका मुझे आधा ही मैं यूज़ करूँगी फॉर करी पर थोड़ा सा मैं लूँगी फॉर फ्राई. जब मैं ये फिश फ्राई करूँगी तब थोड़ा प्रॉन्स भी फ्राई कर लूँगी. डेजी को अभी तक हम लोग लेके नहीं गए. पंकज अभी भी काम कर रहा है तो जब तक पंकज अपना काम कर रहा है वो करे तब तक मेरा जितना काम मैं कंप्लीट कर सकती हूँ उतना मैं कर लूँगी. सो अभी मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू करूँगी. मैं पहले अपना किचन का सब काम ख़त्म कर लूँ फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ. सेकेंड वैक्सीन डेजी. सेकेंड वैक्सीन. ऐसा ना 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 कर
पसीना उसको पकड़ना पड़ेगा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, 6 बज चुके हैं क्योंकि मैं बाल भवन से आ चुकी हूँ। आज थोड़ा 15 मिनट में लेट पहुँची बाल भवन। एंड ये विंडोज, मतलब ये डोर्स वगैरह या विंडोज सब दे देना पड़ता है, नहीं तो बाहर से सारे के सारे जितने भी फ्लाइज है ना वो रूम के अंदर आ जाता है, और ये जो लाइट्स है लाइट्स के आसपास पूरा सजे बैठे रहते हैं। सो हम लोग जब यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह के टाइम पे हम लोग यहाँ आया करते थे, तो एक बार हम लोग इवनिंग तक रुके थे, तो उस टाइम पे हमें पता नहीं था ये पूरा डोर ओपन था, यहाँ पूरा भर गया था। ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ऊपर पूरा भर गया था यहाँ पे लाइट। तब ये लाइट जलता था, ये ट्यूबलाइट, अभी ट्यूबलाइट नहीं जलता तो हम कुछ करते भी नहीं है इसके लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो ये ट्यूबलाइट के आसपास पूरे फ्लाइज हो चुके थे। सो आज डेजी को 2 इंजेक्शन दिया गया, 2, एक है कोविड का मतलब कोरोना का, और एक दिया गया है पर वायरल। सो 2 इंजेक्शन मतलब वैक्सीन उसका हुआ, और दूसरा और एक तीसरा होने वाला है 1st of September को। वो किस चीज़ का है वो मैं भूल गई, सो उसी दिन मैं बता दूंगी, नहीं तो कल परसों बता दूंगी अगर ब्लॉग में ब्लॉग चलते टाइम अगर मुझे याद रहा तो। सो आज मैंने आने मतलब मैंने ऑलरेडी ये बना कर गई थी प्रॉन्स करी। सो प्रॉन्स करी पूरा ख़त्म। सो दिखा भी नहीं पाई, भूली गई मैं, जल्दी जल्दी आकर फिश फ्राई किया मैंने डेजी को वैक्सीन दिलाने के बाद। सो उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं हुआ कि मैं शूट करूँ। सो अभी मैं और ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करूँगी, ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ आज, क्योंकि कल से मैंने चालू किया था। एंड आज दिखाने लायक कुछ है भी नहीं, क्या आज रात को डिनर के लिए बनेगा वो मुझे मालूम भी नहीं। कुछ खाने का मन हो रहा है, कुछ अच्छा पकाने का मन हो रहा है, अभी पकाऊंगी या बाहर से लाऊंगी वो भी नहीं मालूम। सो चलिए अभी मेरा क्लास स्टार्ट होगा, 7 बजे से मेरा क्लास है, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी पंकज के लिए, चाय मेरे लिए। सो उससे पहले थोड़ा आराम से चाय पी लूँ, उसके बाद पूरा मतलब चार्ज हो जाऊँगी और अच्छे से क्लास ले पाऊँगी, क्योंकि आज मैं किसी एक बंदी जो कि बहुत बड़ी है, बड़ी बंदी का मैं आज क्लास लेने वाली हूँ। सो देखते हैं पहला क्लास है आज कैसा जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। सो अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा। टाटा।